हेलो फ्रेंड्स, यूपी डेलर जिसको कि यहाँ पे बीटीसी भी कहा जाता है, उसके एडमिशन्स 2023 के यहाँ पे स्टार्ट हो गए। आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, इसके भी डेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। काउंसलिंग डेट जो है यहाँ पे क्या होने वाली, रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाली है और प्रशिक्षण प्रारंभ डेट मतलब कब से क्लासेस चलेंगी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सारी डिटेल्स आगे, काउंसलिंग कैसे होगी, यहाँ पर आपके एडमिशन्स कैसे होंगे, सीट कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे देखिए समय सारणी जो यहाँ पे आई हुई है उसके माध्यम से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा ब्लर यहाँ पे सकता है तो मैं चीजें आपको पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। देखिए डीएलएड प्रशिक्षण 2023 चयन प्रवेश की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित समय सारणी यहां पे आ चुकी है। देखिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराना, 29 मई को इसका जो विज्ञप्ति है जारी हो जाएगी, मीन्स की ऑफिशियल नोटिस जो है आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आज आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप जाके सर्च करोगे वेबसाइट पे आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो कल शाम से आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की जो समय है, आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो आपकी 2 जून से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, दोपहर 2 जून से मतलब 12 बजे से आपकी शुरू हो जाएगी और 29 तारीख को नोटिस आएगी सारी डिटेल्स के साथ, ठीक है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो यहाँ पे हो जाती है वो 27 जून है। ऑनलाइन जो 27 जून तक आपकी चलेगी, 2 जून से 27 जून के बीच में आपके एडमिशन्स होंगे। कैसे होंगे सारे प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो यहाँ पे 28 जून होने वाली है, एक दिन ज्यादा मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन से, एक दिन ज्यादा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 30 जून की जाएगी, मतलब आपको 3 दिन प्लस में दिया जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपना, 30 जून तक आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यहां पे देख सकते हैं आवेदक के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक का प्रकाशन होगा। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि एडमिशन कैसे होंगे, सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि आवेदक के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशित तिथि। देखिए इसमें कोई आपके बीएड की तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं कि एंट्रेंस होगा फिर आपका सेंटर जाएगा, वहां जाइए आप जो है फॉर्म भरिए अप्लाई करिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपकी काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं काउंसलिंग होगी लेकिन मेरिट के आधार पे होगी। अब सवाल आता है मेरिट, भैया मेरिट क्या चीज़ होती है? देखिए मेरिट ये होती है कि जो आपने ग्रेजुएशन में अंक हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है, ठीक है। तो उस मेरिट के आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी, जितना ज़्यादा नंबर होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा, उसी के माध्यम से आपको सीटें मिलने वाली हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। समझ आ गई आपको चीज़ें? तो देखिए ये जो आपकी मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशन की तिथि है वो 7 जुलाई होने वाली है। सब कुछ करने के बाद सब डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, कैसे करना है ये सब कुछ चैनल के माध्यम से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कल नोटिस आएगी उसमें क्या डिटेल्स है वो भी आपको अपडेट करके बताऊंगा, क्योंकि कल के नोटिस में फीस वगैरह भी दिया रहेगा ना, तो वो सारी चीज़ें और स्टेप्स भी दिया रहेगा। कल के नोटिस डिटेल होने वाली है तो डिस्कस करूंगा, मतलब इस चैनल के माध्यम से ना आपको भी जो भी यहाँ पे डीएलएड के नोटिफिकेशन या चीज़ें होने वाली हैं एडमिशन से लेकर सारी चीज़ें कोर्स सिलेबस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए 7 जुलाई से आपके जो है आवेदक की जो रैंक प्रकाशन की चालू हो जाएगी चीज़ें। देखिए अभ्यर्थियों के वर्गाकार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में, देखिए मैंने कहा ना राजकीय मीन्स गवर्नमेंट, निजी मीन्स प्राइवेट संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष। अब देखिए राजकीय कोई है उसमें कितनी सीट है भाई, वो तो वहाँ पे फिक्स रहती है, प्राइवेट की सीटें फिक्स है, मतलब सबकी सीटें फिक्स है, तो जो सीटें हैं जितनी सीटें रिक्त हैं उसी के माध्यम से आपको सीटें दिया जाएगा, ठीक है। आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसिलिंग का प्रथम चरण यहाँ पे चालू हो जाएगा। NIC लखनऊ करवाई से देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जब आप सारी चीजें डिटेल डालेंगे, फीस काउंसलिंग फीस आप जमा कर देंगे, तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे भैया कि आप कौन से कॉलेज चूज करना चाहते हो। जैसे बीएड में काउंसलिंग करते हो ना, सेम काउंसलिंग चीजें होने वाली है। तो काउंसलिंग चूज करोगे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पहले चूज करिए या फिर प्राइवेट करिए। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, तो मेरिट जो बनेगी अगर आपकी अच्छी बनती है, हाई बनती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो पहले राउंड में ना मिलकर फिर दूसरे में करवाइए, दूसरे में मिल जाता है। ऐसे ऐसे काउंसलिंग करानी पड़ती है जैसे बीएड की होती है, ठीक है। देखिए 10 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। फिर आ जाती है काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। देखिए पहली राउंड की काउंसलिंग हुई 18 जुलाई तक, सब कुछ चला यहाँ पे। फिर मामला उसमें जो रिजल्ट्स वगैरह आए उसमें बच्चे जाएंगे अपना जो है कॉलेज जाएंगे आप लोग और वहाँ पे एडमिशन्स करवाएंगे, जो जाँच होगी सारी चीज़ों के प्रमाण पत्र वगैरह की सब कुछ वहाँ पे होने वाला है। जब फाइनल हो जाएगा फिर जो सीटें बचेंगी उस पर रिक्त सीटों पर फिर फाइनली जो है आपकी काउंसलिंग की जाएगी, वो 7 अगस्त से आपकी जो है 7 अगस्त तक ये सारी चीज़ें कर देनी है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या, 14 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में यहाँ पे फिर दूसरी काउंसलिंग यहाँ पे चलने वाली है। देखिए 7 अगस्त तक ये सारी चीज़ें दस्तावेज डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करके आप लोग को पहले चरण की चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी क्या है, अभ्यर्थियों के वर्ग का श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन है तो अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम
में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग द्वितीय चरण की तिथि में 14 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में द्वितीय चरण की तिथि होगी। सेम प्रोसीजर होने वाला है, जो सीटें खाली हैं उसके ऊपर। फिर बात आती है द्वितीय चरण में जो सारी चीज़ें, कार्रवाई है, प्रवेश की, अभिलेख की जाँच है, चीज़ें अपलोड करना वेबसाइट पर, आपको वेरीफिकेशन करवाना, ये सब 1 सितंबर तक आप कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 राउंड की काउंसलिंग सिर्फ यहाँ पे होने वाली है। इसी के सापेक्ष में अगर आपके एडमिशन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, इसी के बीच में सबके हो जाएंगे, सबका हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होंगे, प्रशिक्षण प्रारंभ 4 सितंबर से आपके स्टार्ट होने वाली है 2023 से। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे जो समय सारणी आई है, एक्चुअल में सारी चीज़ समझ गए आप। अब यहाँ पे बात होती है कि भैया फीस कितना लगेगा, है ना, फीस कितनी लगेगी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो ये सब जो है आपको कल शाम को जब नोटिस आएगी मैं समझाऊंगा। और 2 जून से जैसे बता रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिस एंड अपडेट्स आपको जरूर पल पल की खबर मिलती रहे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सीटेट के भी प्रिपरेशन के लिए आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टीचिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।